हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वाओ प्लेट। आज मैं बनाने जा रही हूँ फजी ब्राउनी, और वो भी एगलेस। अगर आप भी दिए गए मेजरमेंट से इस ब्राउनी को बनाओगे तो आपकी भी ब्राउनी बहुत ही अच्छी बनेगी। मैंने ब्राउनी को कट भी कर लिया है। चलिए देखते हैं इसकी टेक्सचर कैसी बनी है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही मस्त बनी है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं इस ब्राउनी को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कॉफीचर डार्क चॉकलेट लिया है और इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। वेट में ये 90 ग्राम है। चॉकलेट को हम फाइनली चॉप कर लेंगे ताकि ये इवनली मेल्ट हो सके। चलिए चॉकलेट को अब एक बोल में उतार लेते हैं और इसी बोल में अब ऐड करना है बटर। मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर लिया है 95 ग्राम। अब चॉकलेट और बटर को मेल्ट कर लेना है। इसके लिए मैंने एक पतीले में गर्म पानी कर लिया है और चॉकलेट वाले बोल को इसके ऊपर रख देना है और स्पैचुला के हेल्प से इसे मिक्स करते रहना है। कुछ ही टाइम में आप देखोगे अभी से ये मेल्ट होना शुरू हो गई है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो। तो ये मेल्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। चलिए अच्छी तरह से इसे मेल्ट होने देते हैं। चॉकलेट और बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। चलिए इसमें अब ऐड कर देना है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क यहाँ पर हमें 100 ग्राम लेना है। कंडेंस मिल्क को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने एक ग्राइंडर में 10 ग्राम शुगर, ये ग्रैनुलेटेड शुगर है, इसे ग्राइंड कर लिया है और फाइन पाउडर बना लिया है। इसे भी अच्छी तरह से चॉकलेट में मिक्स कर देंगे। आप देख रहे हो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हमें एक सीव लेना है और इसमें ऐड कर देना है मैदा। मैदा यहाँ पर मैंने 75 ग्राम लिया है और इसमें ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यहाँ पर 1/4 टीस्पून प्लस 1/8 टीस्पून ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से सीव कर लेना है। अब यहाँ पर हमें 12 से 15 ग्राम कोकोआ पाउडर लेना है और इसे भी अच्छी तरह से सीव कर लेना है। कोको पाउडर भी अच्छी तरह से सीव हो गई है। अब एक स्पैचुला के हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कुछ भी यहाँ पर लम्स न रहे और एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इस बोल को साइड भी रखेंगे। मैंने यहाँ पर एक बोल में 60 ग्राम वाटर लिया है, ये हॉट वाटर है, और इसमें ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर और इस डिकॉक्शन को चॉकलेट वाले बोल में थोड़ा थोड़ा करके पोर करते रहना है और अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैंने 6 इंच का स्क्वायर टिन पहले से ही लाइन अप कर दिया है बटर पेपर से और इस मिक्सचर को टिन में पोर कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरे क्लाइंट्स को ये फजी ब्राउनी बहुत पसंद होती है। जब भी उन्हें ब्राउनी खाने का मन होता है तभी वो मुझे ही बोलते हैं बनाने के लिए, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कोई तारीफ करे तो अच्छी लगती है। और सही में ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाना। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वॉलनट को ग्राइंड करके उसमें स्प्रिंकल कर दिया है और इसे अब मैं बेक कर लूँगी। इस ब्राउनी को मैंने पतीले में बेक किया है, बहुत ही अच्छी बेक होती है फ्रेंड्स। अगर आपके पास OTG नहीं है तो आप इसे कुकर में या तो फिर कुछ इस तरह के पैन में भी इसे बेक कर सकते हो।
पतीले में बेक होने में इसे 45 मिनट्स लगे हैं और फ्लेम लो होनी चाहिए फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान रखना, ब्राउनी को ओटीजी में बेक करना चाहते हो तो प्री हीटेड ओवन में लोअर रॉड ऑन रहेगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसे 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से ये बेक हो गई है, पतीले में भी अच्छी तरह से बेक हो जाती है। तो अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप इसे आराम से पतीले में या फिर कुकर में भी बेक कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग में नटेला पोर कर दिया है और इसे थोड़ी सी डेकोरेट कर लेते हैं। ब्राउनी बिल्कुल रेडी है, आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, पर मैं इसे थोड़ी सी डेकोरेट कर लूंगी। मैंने यहाँ पर अखरोट डाल दिया है और यहाँ पर थोड़े से बादाम और पिस्ता के साथ मैं इसे डेकोरेट कर लूंगी। ब्राउनी को आप नट से आपके विश के अकॉर्डिंग कैसे भी आप डेकोरेट कर सकते हो। ये ब्राउनी मैंने घर के लिए बनाई है, एक छोटी सी फंक्शन है तो मैं तो इस ब्राउनी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करूंगी। फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। जो फ्रेंड्स पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स, और जो फ्रेंड्स नए आए हो चैनल पे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलना फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी। Thank you.